Hello everyone, welcome back. So today we are going to deal with consumer durables and intermediate goods. Okay, we are in the second chapter, that is national income accounting, and we have done final goods, consumption goods and capital goods. Okay, now today we are going to deal with consumer durables. Now what are consumer durables? As the name suggests, inki duration achhi khasi hoti hai. Okay, the examples are टेलीविजन, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल्स, जिनको हम खुद ही कंज्यूम करते हैं बट दे आर ड्यूरेबल्स. ओके, दे हैव द हायर ड्यूरेशन देन अदर्स. लाइक वेजिटेबल्स, कंजप्शन गुड्स जो होते हैं उनको, अभी वेजिटेबल्स को आप थोड़े 2-4 साल चला सकते हो, लेकिन दैट्स अ डिफरेंस. ओके, नाउ यू कैन बी आस्किंग कि अगर ऐसा है तो फिर ये कैपिटल गुड्स की तरह क्यों नहीं है. कैपिटल गुड्स से ये डिफरेंट है. वाई? बिकॉज कैपिटल गुड्स को हम डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म, मतलब किसी और चीज को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते थे, डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहे होते थे. लाइक मशीन्स, टूल्स, वी आर नॉट कंज्यूमिंग दैट, राइट? बट कंज्यूमर ड्यूरेबल ऐसा है कि कंप्यूटर हम खुद ही यूज कर रहे हैं. ओके, तो वी आर यूजिंग कंप्यूटर और आर ऑटोमोबाइल्स और टीवी और एवरीथिंग बाय आर सेल्फ ओनली. तो दैट इज द अल्टीमेट कंजप्शन. ओके, बट देयर इज वन सिमिलैरिटी बिटवीन कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल, एंड दैट इज द ड्यूरेशन. ओके, दोनों ही लंबे टाइम के लिए यूज किए जाते हैं. ऑलराइट, बट देर आर सम गुड्स जो कि फाइनल गुड्स भी नहीं है और कैपिटल गुड्स भी नहीं है. तो वो गुड्स क्या है? दोज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स. ओके, वो हैव मटेरियल इनपुट्स, एंड दीज गुड्स आर दोज जो एज अ रॉ मटेरियल काम आता है. किसी भी गुड को फाइनल गुड बनाने के लिए उस प्रोसेस में जो इनपुट्स यूज किए जाते हैं, दैट इज इंटरमीडिएट गुड. नाउ इंटरमीडिएटर्स और मीडिएटर्स मस्ट बी, यू नो, आपने भी बहुत सुना होगा, टू गेट द फाइनल डेस्टिनेशन you use mediators in your life as well. So usi ko samajh lijiye. Okay, so these are those only. Now you can take the example, jaise ki ye steel sheets hain. Okay, abhi in automobiles ke liye banane ke liye ye steel sheets kaam aati hai. Obviously, like you can also take copper. Abhi these utensils are utensils, but कॉपर तो यूज किया गया इन यूटेंसिल्स को बनाने के लिए. तो जो कॉपर यूज किया गया है वो इंटरमीडिएट इनपुट्स हैं. ओके, नाउ अभी एक और क्वेश्चन रेज होता है कि फाइनल वैल्यू मेजर करने के लिए व्हाट डू वी डू, हाउ डू वी मेजर द फाइनल वैल्यू. सी, फॉर दैट वी मस्ट हैव सम मेजरिंग रोड. ओके, अभी सी, आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोथ. अभी वी हैव प्रोड्यूस लाइक 1000 meter क्लोथ इन एन ईयर. ओके, नाउ अभी क्या वो मीटर, यू विल एड द क्वांटिटी इन दैट फाइनल वैल्यू? नो, यू जस्ट कैन नॉट, ऑब्वियसली यू कैन नॉट. या फिर राइस ले लीजिए, आपने राइस प्रोड्यूस करा है, तो आपने जो प्रोड्यूस करा है आप उसकी क्वांटिटी नहीं लिखेंगे. यू मस्ट बी हैविंग दैट मेजरिंग रोड जिससे आप फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट मेजरिंग रोड इज मनी. ओके, ऑब्वियसली हर चीज को अपन मनी में ही कैलकुलेट करेंगे, मनी में ही मेजर करेंगे. वॉट एवर इट इज फॉर प्रॉफिट, इट इज फॉर लॉस, इट इज फॉर एनीथिंग, वी विल बी यूजिंग द मनी थिंग ओनली फॉर द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, टोटल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन. ओके, नाउ एक और क्वेश्चन ये भी है कि हम सिर्फ फाइनल गुड्स को ही क्यों मेजर करते हैं टोटल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन के लिए. व्हाई डू वी, यू नो, जस्ट डू एग्रीगेट मेजर्स. जब हम एग्रीगेट मेजर दे रहे होते हैं टोटल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में, तो व्हाई डू वी यूज फाइनल गुड्स ओनली? बहुत सिंपल है, क्योंकि अभी इंटरमीडिएट गुड्स अपन इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं बिकॉज इट विल बी लाइक डबल काउंटिंग. सी, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आपके सिलेबस के बाहर कोई पेपर, पेपर जो है वो सिलेबस के बाहर आ गया. यू गॉट एक क्वेश्चन जो 4 marks का था, यू गॉट बोनस. ओके, व्हाट हैपेंड विद यू कि भाई आपको 4 number एक्स्ट्रा मिल गए, 4 तो थे ही, 4 और मिल गए. यू विल बी वेरी गुड कि हम भी बाहुबली हैं भाई, चलो ठीक है, बढ़िया हो गया. लेकिन जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं और जो कॉम्पिटिटर्स नहीं भी हैं, दे विल बी, मतलब लाइक वो हल्ला मचा देंगे, राइट? तो दैट विल बी लीड टू व्हाट? डबल काउंटिंग. सो वी आर डीलिंग विद द वैल्यू ऑफ आउटपुट. ओके, एंड इन दैट वैल्यू ऑफ आउटपुट वी हैव टू हैव द फाइनल काउंटिंग. अगर वो नहीं होती है तो दैट विल बी एरर ऑफ डबल काउंटिंग. एंड उससे क्या होगा, अगर आपने इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट कर लिया तो आपकी जो फाइनल वैल्यू है, जैसे कि आपके मार्क्स अगर 4 number की जगह आपको 8 number मिल गए, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, योर परसेंटेज विल एग्जैजरेट बाय, यू नो, 4 marks. अभी 4 marks में जितना भी एग्रीगेट बनता है वो आपका
by default increase ho jayega percentage, and that's you know not good for others at least. And that, similarly in an economy you just cannot do double counting. Okay, so economy mein ye final value bina faltu ke exaggerate ho jayegi agar aapne intermediate goods bhi add kar liye, isiliye hum final goods hi add karte hain. As simple as that. Okay, nothing matlab bahut hi isme koi tragic nahi hai, itna hi hai. All right, so that's what it is. Now let's quickly revise. Okay, so बेसिकली फाइनल गुड्स क्या होते हैं जो कि फाइनल कंजप्शन के लिए यूज किए जाते हैं एंड देयर वैल्यू ऑलवेज डिटरमाइंड ऑन इकोनॉमिकली. ओके, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी ना कि उनकी गुड वैल्यू की जो गुड है उस बेसिस पे. ओके, देन द कैपिटल गुड्स. कैपिटल गुड्स आर दोस वो आर ड्यूरेबल एंड वो वी डू नॉट कंज्यूम मतलब अल्टीमेटली. ओके, वी The capital goods जो है they become the backbone of transformation of you know other final goods. Capital goods से ही दूसरे goods बनते हैं, ठीक है, तो they are like backbone. Okay, the consumption goods are those खाना पीना कपड़े वपड़े ये सब कुछ consumption goods में आता है जिनकी duration काफी कम रहती है and we consume that directly. Now consumer durables वो होते हैं जो अपन ने जस्ट अभी पढ़ा कि वो इनकी ड्यूरेशन अच्छी होती है और हम इनको डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं लाइक टेलीविजन कंप्यूटर ऑटोमोबाइल्स एंड मैनी मोर. ऑलराइट, देन इंटरमीडिएट गुड्स आर दोस वो आर यू नो वो प्लेज अ वाइटल रोल इन द प्रोडक्शन. ओके, इन द प्रोसेस. तो जो रॉ मटेरियल है, जो मटेरियल इनपुट है, वो सब कुछ इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा एंड वी ओनली एंड लेट मी जस्ट क्लेरिफाई, टोटल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में फाइनल वैल्यू पे फाइनल गुड की वैल्यू ही एड होती है सो दैट डबल काउंटिंग ना हो. ओके, दैट वॉज द होल पॉइंट. ओके, इतना ही था. ऑलराइट, सो वेल आई सी यू सून. अभी के लिए इतना ही. ओके, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, next video or whatever you can say, and gradually we'll do the chapter and by the time we'll do the whole course. Okay, be with me. If you have any doubt, just write me in the comment section, I'll clear. All right, please do subscribe and follow the Instagram channel and please do support guys. Yeah, okay, bye.